हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन को। साथ ही साथ आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आनंद विहार टर्मिनल नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन को स्टार्ट किया गया था 19 दिसंबर 2009 में। तो अगर आपकी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से है तो आप मेट्रो और बस दोनों से ही यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, इसी स्टेशन पर आपको रिजर्वेशन काउंटर, वेटिंग हॉल, हाई स्पीड वाईफाई जैसी तमाम सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ आनंद विहार टर्मिनल के रिजर्वेशन काउंटर के सामने। आप यहाँ से रिजर्वेशन टिकट भी बुक करा सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप लेना चाहें तो प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद। तो दोस्तों, ले लिया मैंने प्लेटफॉर्म टिकट और चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेल फैनिंग की। दोस्तों, आप भी अगर अपने किसी रिलेटिव को छोड़ने आते हैं स्टेशन तो प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर लें, क्योंकि होता यह है कि अगर हम नहीं लिए हुए होते हैं टिकट तो ज़रूर चेक करने वाले हमें मिल जाते हैं, लेकिन लिए हुए होते हैं तब ऐसा नहीं होता है। तो आप अवेयर रहिए इस बात से। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर, क्योंकि 2 ट्रेनें हमारा इंतज़ार कर रही है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं फटाफट जल्दी से। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारे सामने खड़ी है आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 02368 और ये ट्रेन डिपार्ट होगी 1:15 पर। ठीक दूसरी तरफ हमारे सामने खड़ी है आनंद विहार मधुपुर बाबा वैद्यनाथ धाम सुपरफास्ट स्पेशल, जिसका डिपार्चर अब से कुछ ही समय बाद होगा। तो आप इंजॉय कीजिए दोनों ही ट्रेनों के डिपार्चर को। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है करीब 12:55 और अगली हमारी ट्रेन डिपार्चर लेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसके डिपार्चर में 20 मिनट का समय बाकी है। तो बने रहिए आप वीडियो में। दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट का समय और बाकी रह गया है विक्रमशिला एक्सप्रेस के डिपार्चर में। इससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस छोटी सी रेल फैन फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस के डिपार्चर का और हॉन्क दे दिया हमारी ट्रेन ने। तो अब आप एंजॉय कीजिए विक्रमशिला एक्सप्रेस के डिपार्चर को बिना वीडियो को स्किप किए।
तो दोस्तों अब बारी आप सभी को आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाने की। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और आप सभी को दिखाते हैं आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस का डिपार्चर। दोस्तों जनसाधारण एक्सप्रेस को देखने के चक्कर में डिपार्चर का टाइम कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला और करीब सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी रह गया है, इसीलिए आप देख सकते हैं मुझे दौड़ना पड़ रहा है डिपार्चर आप सभी को दिखाने के लिए। और लोको पायलट सर जा रहे हैं डिपार्चर लेने के लिए फुर्ती में। दोस्तों दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस के डिपार्चर के बाद अब बारी है आप सभी के फेवरेट सप्तक्रांति एक्सप्रेस के डिपार्चर की, तो आप बने रहिए वीडियो में। दोस्तों जब तक मैं आपको आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखा रहा था तब तक मैं सप्तक्रांति एक्सप्रेस अराइव कर चुकी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपको अराइवल नहीं दिखा पाया सप्तक्रांति एक्सप्रेस का। तो दोस्तों आप सभी इन्जॉय कीजिए हम सबकी फेवरेट और इस ब्लॉग की आखिरी ट्रेन के डिपार्चर को। मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर के बाद। At its scheduled time, 14 hours, 15 minutes.
की इस रेल फैनिंग ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। एक और बात, प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट चेक हो रही है आनंद विहार में और मुझसे भी हुई है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें।